मोहब्बत की करें बढ़ाई और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। युद्ध चल रहा है और दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म पितामह कह चुके हैं कि कल कोई ना कोई पांडव मारा जाएगा। ओहो, पर आज तो बड़ी देर हो गई, कोई पांडव तो मरा ही नहीं। अब तो बड़ा हैरान है दुर्योधन। और दुर्योधन चले पांडव मरेंगे, हमें लग रहा कि तुम हमारे साथ छल कर रहे हो, हमारे साथ धोखा कर रहे हो। अरे पांडवों का बाल भाका नहीं हो रहा है, क्या बात है? आप मेरे साथ धोखा करें, मुझे ऐसा मालूम होता कि आप मुझे धोखा देंगे तो मैं कर्ण वीर को लेके आता। अरे इस अर्जुन की तो औकात क्या है, उससे इंद्र आग जलता भाग करके जाते। अरे अर्जुन आज जैसे भाग जाते, बाबा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा था कि कल पांडव मरेंगे, बात क्या है? भीष्म पितामह, अब दुर्योधन तो जान नहीं रहा कि कन्हैया ने क्या खेल कर दिया, पर बाबा जानते हैं। और जब ये दुर्योधन कह रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जले में कोई नमक डाल रहा हो, भीष्म के घाव में घाव हो रहा है। अरे दुर्योधन ऐसे मत बोल, मैं कोई नमक हरामी नहीं हूँ, मैं मन से लड़ रहा हूँ। तुझे नहीं पता है कि भगवान की लीला कितनी विचित्र है। अरे दुर्योधन, तो उसी समय भीष्म पितामह को क्रोध आया। भीष्म पितामह ने क्या किया है भगवत प्रेमियों?
भीष्म पितामह ने एक साथ में हजार बाणों को छोड़ा और सहस्त्र बाणों को जब छोड़ा है तो गगन में अंधेरा हो गया अंधेरा। छोड़ा है ना भीष्म पितामह ने भगवान का रथ पीछे, आहा कैसे कैसे महाबलधारी वीर हैं। भगवान कन्हैया को देखते ही अर्जुन ने कहा प्रभु हमारी पेश नहीं जाएगी, प्रभु भीष्म पितामह के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, हमें क्षमा करो प्रभु। मानो अर्जुन थर थर कांपने लगे हो, बाजू बंद गिरने लगे, ओहो सर का मुकुट भी गिरने वाला है। और जिस समय सहस्त्र बाण एक साथ छोड़ते ही भीष्म पितामह तो अंधेरा हो जाता है। अर्जुन घबरा गए, बोले प्रभु क्षमा करो हम नहीं लड़ पाएंगे। कन्हैया ने देखा अर्जुन तुम्हारे अंदर मोह है, अभी तुम परिवार के चक्कर में पड़े हो, मारे जाओगे। अर्जुन पीछे मुड़ के देखो, पहले कोई भी सेना तुम्हारे पास में नहीं बची है, मारे जाओगे भारत, इसलिए बात सुनो। देख पीछे एक भी सेना नहीं है और तू मरेगा, इसलिए ये बाबा नाती का चक्कर खत्म कर, ये मोह खत्म कर। और तू आज यदि हथियार त्यागेगा, सुन अर्जुन सुन, तेरे पीछे मैं बदनाम हो गया, साड़ी लूटी तेरी पत्नी की, राज गया तेरा जा रहा था, और तेरा सब कुछ बचाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलना। और अर्जुन सुन ले, मेरी कौरवों से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे लिए जितना कौरव है उतना ही तू, लेकिन फिर भी एक मेरा भक्त होने के कारण मैं तेरे लिए अपनी बदनामी सहन करने में भी खड़ा हो गया, मजबूर हो गया। पर एक बात सुन, अभी तक तो तू पीछे हटता रहा, मैं तुझे माफ करता रहा, पर आज यदि पीछे हट गया तो तुझे जिंदा हम नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। परशुराम ने बाण दिए हैं उन बाणों का प्रयोग करो, तुम भीष्म पितामह को ऐसे मार नहीं पाओगे। अर्जुन ने बाणों को छोड़ा है, लेकिन भीष्म पितामह एक एक हजार बाण एक एक साथ जब छोड़ते हैं तो अर्जुन तहला जाते हैं, घबरा जाते हैं। अंत में भीष्म पितामह ने एक एक साथ में कई कई बाणों का प्रयोग किया तो अर्जुन खड़े हो गए। भगवान कन्हैया समझ गए अर्जुन गए काम से, अब ये नहीं जीत पाएंगे।
और अगर अर्जुन मर गए तो भी तो बहुत कुछ होना है। मेरे कन्हैया ने मेरे गुरुदेव जी क्या करते हैं और भगवान का ये वचन है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। समझ गए कन्हैया कि अर्जुन हार गए बाबा के सामने, और उधर बाबा की प्रतिज्ञा है कि तुमसे चक्र उठवाएंगे। यदि भगवान चक्र नहीं उठा रहे तो भीष्म पितामह का संकल्प टूट रहा है, ध्यान रखना। यदि नहीं उठाते तो उधर भीष्म का संकल्प टूट रहा है और इधर अर्जुन मर रहे हैं। दोनों को बचाने के लिए भगवान ने अपना अपमान करा दिया। मान लो भगवान अपना संकल्प तोड़ दिए, बंधु ध्यान रखना। और जैसे ही कन्हैया रथ से कूदे, उंगली को सीधा किया तो सुदर्शन चक्र आहा। और ये दृश्य जिस समय देखा है ना भीष्म पितामह ने, तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। अरे प्रभु तुम धन्य हो, मेरे मान को रखने के लिए अपना मान तोड़ दिया, तुम धन्य हो, इसीलिए तुम भगवान हो प्यारे। और अर्जुन को भी बचाया भगवान ने, दोनों ही काम कर दिए जो सर्वत्र है मेरे भगवत प्रेमियों। पुत्र भगवान के सामने पहुंचे और कन्हैया से प्रणाम करते हुए बोले गोविंद। और दोनों भक्त गदगद हुए, अर्जुन भी बच गए और भीष्म का संकल्प भी बच गया। पर भगवान ने अपना मान नहीं देखा, लेकिन जब देखा तब भक्त का मान रखा भगवान ने। अपना अपमान सहन है, लेकिन भक्त का अपमान कभी नहीं भगवान देख सकते। भगवान कहते हैं अहो अनंत दासा नाम में तुम दृष्ट पद में कृतांग सोपी दराजन मंगलानी समीह से। मैं भक्तों का अधीन हूँ, भक्त मेरे श्रोमणी। Oh,